બુલેટિનમાં હું છું આપની સાથે દાનવી માલી. વાત કરીએ પંજાબના સીએમ ભગવંત માન પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છે. સીધા દેશો ત્યાં કે તો જીતને કી બાત છોડો જી, હમારે પાસ તો વોટ માંગને ભી નહીં આતે હૈ. અનટચ એરિયા ઇતના લાવર છોડ રખા જનતા કો, ક્યોંકિ વોટ ઉનકો દેના હી પડતા થા, કોઈ વિકલ્પ નહીં થા. તો અબ મેં જો બિલ લેકે આયા હું, કલ મેને ગાડીમાં દિખા દીએ ઓર સારે બિલ લોગ મેરે સે લે ગયે. કહેતે ઉનકો દિખાને હૈ હમને, જિન્હોને 2.5 રૂપિયે યુનિટ અભી મહંગી કી હૈ, પરસોં કી બાત હૈ. પંજાબ બિજલી પૈદા કરતા હૈ, પંજાબ કે પાસ ભાખડા ડેમ હૈ, પંજાબ કે પાસ અપને થર્મલ પ્લાન્ટ હૈ. તો અગર 300 યુનિટ હમારા યે સિસ્ટમ હૈ, 2 મહિને કા સાઇકલ હૈ, 2 મહિને કા બિલ આતા હૈ. 300 યુનિટ પર મંથ હમને શરૂ કર, મતલબ માફ કર દિયા, 600 યુનિટ તક કોઈ બિલ નહીં આયેગા. તો કોઈ કિલોવાટ કા ઇસમેં वो नहीं रखा हमने कि एक किलो वाट का मीटर होना चाहिए, 2 का. आम घरों को भी, जनरल घरों को भी बहुत बिल जो है 0 आए हैं. किसी का पहले 2000 आता था, 3000 आता था, वो 0 आए हैं. वो 2-3 हज़ार बचना शुरू हो गया. ऐसी स्कूल की फीस बचनी शुरू हो जाएगी, ऐसी इलाज का पैसा बचना शुरू हो जाएगा, नौकरी मिलेगी. तो हम ये नहीं कहते कि हम आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे. हम ये कहते हैं कि कम से कम 30,000 महीना आप, हमारी सरकार बन गई, पहले महीने से आपका बचना शुरू हो जाएगा. ये कहते हैं हम कोई 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, किसको उसका क्या, जनता को क्या मिलेगा उसका, ठेकेदारों को और मंत्रियों को फायदा होगा. हम तो सीधा लोगों को देते हैं. तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था, उसकी बात नहीं करते. वो कहते हैं जुमला था. तो इनका, इनके मैनिफेस्टो का नाम भी एक नहीं होता, संकल्प पत्र होता है कई बार. कहाँ पे घोषणा पत्र, कहीं पे मैनिफेस्टो, क्योंकि जीतने के बाद यही कहना होता है वो तो जुमले थे. तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे. जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ. 8 महीने पहले पंजाब में ऐसा ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे.